देखो द नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज टंग। जो बच्चे नए हैं सुनो, हमें 11th की बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया है, मैंने लास्ट का एक कोई टॉपिक उठाया, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे ही एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती है अपने पास, फिर हम स्टार्टिंग से करेंगे चीज़ों को, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, इस पर सिर्फ एक या दो लेक्चर्स हुए हैं, वो YouTube पर अपलोडेड हैं, आप चाहो तो उनको देख लेना, फिर अपन उसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आई विल डिस्कस विद यू। आज हम बात कर रहे हैं टंग की, सुनना ध्यान से। टंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मसल। कैसी मसल होती है वॉलेंट्री मसल? का मतलब क्या होता है? विच इज अंडर अवर कंट्रोल, विच इज अंडर अवर कंट्रोल। बात अलग है, गुस्से में कंट्रोल में नहीं होती टंग, बट इसका मतलब ये नहीं है हम उसको इनवॉलेंट्री बोल देंगे। टंग इज अ वॉलेंट्री, टंग इज अ टंग का जितना पार्ट ओरल कैविटी में हमको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर 1/3 पार्ट। कितना होता है? पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, सॉरी पोस्टीरियर 2/3 पार्ट हमारे नेक रीजन में होता है। मींस जितनी टंग हमें ओरल कैविटी में दिखाई देती है, उससे कई ज्यादा लेंथ की टंग नेक रीजन में होती है। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, जब हम बात करते हैं टंग की, टंग की ये जो अपर सरफेस है, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल सरफेस। क्या कहलाती है? इसको हम ऐसे बनाते हैं, टंग की ये सरफेस क्या कहलाती है? डॉर्सल सरफेस। तो ये क्या कहलाएगी? अपर सरफेस इज कॉल्ड डॉर्सल, लोअर सरफेस इज कॉल्ड वेंट्रल। क्या कहलाती है? अब टंग जहां पर अटैच होती है फ्लोर ऑफ माउथ से, टंग जहां पर अटैच होती है फ्लोर ऑफ माउथ से, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रेनुलम। व्हाट इट कॉल्ड? व्हाट इट कॉल्ड? फ्रेनुलम। तो टंग अपर सरफेस डॉर्सल, लोअर सरफेस वेंट्रल, और जिस पॉइंट से अटैच होती है फ्लोर ऑफ माउथ से, दैट इज कॉल्ड फ्रेनुलम, दैट इज कॉल्ड। टंग की जो ये अपर सरफेस होती है, इस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। नो, दैट इज नॉट कॉल्ड टेस्ट बड। सुनो ध्यान से, ये जो प्रोजेक्शंस हैं, दोज प्रोजेक्शंस आर नोन एज पैपिला। क्या कहलाते हैं? पैपिला। क्या कहलाते हैं? पैपिला। हम सब लिखेंगे, परेशान मत हो, सुनो सिर्फ अभी, ठीक है। टंग की अपर सरफेस पर जो प्रोजेक्शंस होते हैं, दोज प्रोजेक्शंस आर नोन एज पैपिला। इन पैपिलाज में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है, विच हेल्प इन टेस्ट सेंसेशन, विच हेल्प इन। तो टंग का जो फर्स्ट फॉरमोस्ट फंक्शन है, दैट इज टेस्ट सेंसेशन। ह्यूमन टंग मेनली 4 टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट करती है, स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, हमारी टंग की जो ये सरफेस है, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टेस्ट डिटेक्ट होता है। सबसे ज्यादा बिटर टेस्ट डिटेक्ट होता है टंग के पीछे वाले पोर्शन में, और जब हम दवाई खाते हैं तो हम उसको पीछे ही रखते हैं ताकि वो जल्दी से अंदर चली जाए और वो हमें कड़वी ना लगे, जबकि उसको हम यहाँ रखेंगे तो वो कड़वी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्ट बड्स बिटर टेस्ट के कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर। समझ में आई मेरी बात?
तो टंग हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ टेस्ट फर्स्ट. सेकेंड फंक्शन सुनो, टंग हेल्प इन स्पीच. अगर आप अपनी टंग को होल्ड कर लो तो आप गोलमाल मूवी के तुषार कपूर, हमारी आवाज नहीं निकलेगी. समझ में आ रही है मेरी बात? तो टंग ऑल्सो हेल्प इन स्पीच, टंग ऑल्सो हेल्प इन स्पीच. थर्ड फंक्शन, जब हम फूड लेते हैं, जैसे सपोज करो आपने ब्रेकफास्ट किया, अब वो फूड टीथ में कहीं पीछे जाके फंस गया. तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रेकफास्ट करते हैं फिर ब्रश करने बैठ जाते हैं, लंच किया फिर ब्रश किया, दिन भर में एक बार हो जाए वही बहुत है हमारे लिए. तो जो टंग है, जैसे ही फूड कहीं फंसता है ओरल कैविटी में, टीथ में, तो टंग अपने आप वहां पहुंचती है, उसको वो वहां से क्लीन करती है. और जब तक क्लीन नहीं हो जाता, जब तक हमें चैन नहीं पड़ता, हमारी टंग अपने आप वहां पहुंचती है. यस और नो? दैट मींस टंग हेल्प इन सेल्फ क्लीनिंग ऑफ टीथ. टंग हेल्प इन सेल्फ क्लीनिंग ऑफ टीथ. जब हम फूड लेते हैं तो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम भी टंग करती है. मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा. जब हम फूड को अच्छे से च्यू कर लेते हैं और फूड को हम अंदर भेजते हैं ओरल कैविटी से, दैट मींस स्वालोइंग ऑफ फूड, दैट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय टंग. तो टंग के कई सारे फंक्शंस है, टंग चढ़ाने के काम भी आती है. देखो, टंग का है फंक्शन है टेस्ट सेंसेशन, टंग का फंक्शन है हेल्प इन सेल्फ क्लीनिंग ऑफ टीथ, मिक्सिंग ऑफ फूड विद एंड स्वालोइंग ऑफ. स्वालोइंग ऑफ फूड के केस में हम वर्ड यूज करते हैं डिग्लूटिशन. क्या वर्ड यूज करते हैं? डिग्लूटिशन. क्लियर दिस पॉइंट? सो दिस इज अबाउट द टंग, दिस इज अबाउट द टंग. क्लियर ये पॉइंट? टंग एंटीरियर 1/3, पोस्टीरियर 2/3. दिस पार्ट इज कॉल्ड अपर सरफेस इज कॉल्ड डॉर्सल, लोअर सरफेस इज कॉल्ड. टंग जिस पोर्शन से अटैच होती है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज. टंग की डॉर्सल सरफेस पर जो प्रोजेक्शंस होते हैं, दोज प्रोजेक्शंस आर नोन एज पैपिला. पैपिला कंटेन, याद रखना, सारे पैपिलाज में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, इसलिए हम ये नहीं बोलते कि ग्रुप ऑफ टेस्ट बर्ड इज नोन एज पैपिला, क्योंकि कई सारे पैपिला ऐसे होते जिसमें टेस्ट बर्ड्स होते ही नहीं है. तो हाउ विल यू डिफाइन पैपिला? प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग इज नोन एज पैपिला. पैपिला कंटेन टेस्ट बर्ड्स, किसी में होते हैं किसी में. अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं ह्यूमन टंग को लेकर, ह्यूमन टंग में तीन पैपिला प्रेजेंट होते हैं. वन इज कॉल्ड फंजी फॉर्म पैपिला, सेकेंड इज कॉल्ड फिलीफॉर्म पैपिला, और यही वो पैपिला है फिलीफॉर्म जिसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, टेस्ट बर्ड्स आर एब्सेंट. किस वाले पैपिला में? नाम है फिलीफॉर्म बट इट इज अनफिल्ड, एक्चुअली खाली होता है. क्लियर? देन थर्ड वन इज सर्कमवैलेट पैपिला. ये पैपिला हमारे प्यारे से टेस्ट का डिटेक्शन करते हैं, बिटर. तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं? पीछे. ओके, सर्कमवैलेट पैपिला, दीज आर द लार्जेस्ट पैपिला. वैसे तो एक पैपिला और भी होता है बट वो ह्यूमन बीइंग में डेवलप नहीं होता, दैट इज कॉल्ड फॉलिएट पैपिला. जरूरत नहीं है पढ़ने की हमको. वैसे ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है,
बट स्टिल कभी कभी सराउंडिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं. एनसीईआरटी का पॉइंट, टंग इज अ वॉलेंट्री मसल. टंग की डॉर्सल सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? विच कंटेन, विच हेल्प इन, और टंग फ्लोर ऑफ माउथ से अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ, दैट्स इट. इतना ही है हमारी एनसीईआरटी में. बट ये सराउंडिंग्स की चीजें हमें पढ़नी होती हैं. क्लियर? हेडिंग लिखो टंग. मैं सारे पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं, लिखो. टंग इज द एग्जाम्पल ऑफ, टंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मसल. टंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मसल. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. इट्स एंटीरियर वन थर्ड पार्ट, इट्स एंटीरियर वन थर्ड पार्ट इज प्रेजेंट, इट्स एंटीरियर वन थर्ड पार्ट इज प्रेजेंट इन ओरल कैविटी. इट्स एंटीरियर वन थर्ड पार्ट इज प्रेजेंट इन ओरल कैविटी व्हाइल व्हाइल इट्स पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट, इट्स पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट इज प्रेजेंट इन नेक रीजन. पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट इज प्रेजेंट इन नेक रीजन. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. The upper dorsal surface, the upper dorsal surface, the upper dorsal surface of tongue, the upper dorsal surface of tongue consists of, the upper dorsal surface of tongue consist of some projections known as papilla, some projections known as papilla. Write down next point. Tongue is attached to, tongue is attached to floor of mouth, tongue is attached to floor of mouth by the help of, by the help of frenulum, by the help of frenulum. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. ह्यूमन टंग, ह्यूमन टंग मेनली कंटेन, ह्यूमन टंग मेनली कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ पैपिला. ह्यूमन टंग मेनली कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ पैपिला. इन तीनों के नाम लिख लो. सर्कमवैलेट, लार्जेस्ट, फंजी फॉर्म, फिलीफॉर्म, टेस्ट बर्ड्स आर एब्सेंट. Now write down heading, functions of tongue. Functions of tongue. Functions of tongue. First function likho. Help in
डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। टेस्ट के ब्रैकेट में इन चारों कैटेगरीज के टेस्ट के नाम लिख लो। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। राइट डाउन नेक्स्ट, टंग हेल्प इन स्पीच। टंग हेल्प इन स्पीच। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प इन सेल्फ क्लीनिंग ऑफ टीथ। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल्फ क्लीनिंग ऑफ टीथ। लास्ट वन, टंग ऑल्सो हेल्प इन स्वालोइंग ऑफ फूड। टंग ऑल्सो हेल्प इन स्वालोइंग ऑफ फूड। ब्रैकेट में लिखना डिग्लूटेशन। डेली जो मेन चैप्टर चल रहा है उसके साथ साथ कुछ कुछ पॉइंट्स लर्न करते चलेंगे, ठीक है ना। तो उन पॉइंट्स को हमें इन चैप्टर्स में ऐड नहीं करना है, पीछे लिखना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कॉपी के पीछे से, ठीक है, वहां लिखो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 11th बायोलॉजी, या जस्ट बायोलॉजी लिखो, नॉट 11th एंड 12th, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, द फर्स्ट एंटीबायोटिक, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Alexander Fleming, when he was working on, when he was working on bacteria Staphylococcus, when he was working on bacteria Staphylococcus। Actually, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है हमारी वो है पेनिसिलिन। कौन सी है? पेनिसिलिन मिलती है एक फंजाय से जिसका नाम है पेनिसिलियम। तो एक्चुअली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस पर, बैक्टीरिया के ऊपर, और डिस्कवरी हुई थी किसकी? पेनिसिलिन की, ठीक है। तो दैट डिस्कवरी वॉज नोन एज डिस्कवरी बाय चांस। हम कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और गया। समझ में आई? लिख लो ये पॉइंट, दिस डिस्कवरी या दिस रिसर्च इज नोन एज, दिस रिसर्च इज नोन एज डिस्कवरी बाय चांस। दिस रिसर्च इज नोन एज डिस्कवरी बाय चांस। सेकेंड पॉइंट लिखो, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज कितना होता है? आरबीसीज की लाइफ स्पैन 120 डेज कितना होता है?
120 days. Life span of RBC 120 days. थर्ड पॉइंट लिखो, थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, नॉट ग्लैंड, थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. इसी का लिखो पॉइंट, एंड इसी में ही, एंड इट इज द ओनली ग्लैंड, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करो, एंड इट इज द ओनली ग्लैंड विच कैन स्टोर इट्स हॉर्मोन्स. ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो अपने हॉर्मोन को स्टोर करके रख सकती है. It is the only endocrine gland which can store its hormones. Write down fourth point. Fibrinogen is a soluble blood clotting factor. Fibrinogen is a soluble blood clotting factor which help in blood clotting, which help in blood clotting. Write down next point. In human, when carbon dioxide combined with hemoglobin, in human, when carbon dioxide combined with hemoglobin, it produce what? It produce carbaminohemoglobin. It produce carbaminohemoglobin. नेक्स्ट लिखो, फीमर इज द लॉन्गेस्ट, फीमर इज द लॉन्गेस्ट व्हाइल स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी. Femur is the longest, while stapes is the smallest bone of human body. बच्चों, human beings में कितनी muscles होती हैं? Number of muscles in human being. नैना बोलो. सर, 2 साल पढ़ाई नहीं हमने, कुछ COVID का enjoy किया है. हमारे बॉडी में टोटल बोन्स होती हैं 206, टोटल मसल्स होती हैं 639. कितनी होती हैं? 6 + 3 = 9. लिख लो, इन ह्यूमन टोटल 206 बोन्स, इन ह्यूमन टोटल
206 bones and 639 muscles are present. In human, 206 bones and 639 muscles are present. Next, likho. In human being, skin, lungs, and liver. Skin, lungs, and liver are also act as excretory organs. Next, likho. In human, 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves are present. 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves are present. Write down last point. Pituitary gland is called master gland while hypothalamus is known as master of master gland.